हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। दोस्तों, रेडमी जल्द ही रेडमी नोट 10 सीरीज को लॉन्च करने जा रही है, जो कि रेडमी नोट 9 का सक्सेसर होगा। और अच्छी बात यह है कि ये फोन 5G एनेबल होंगे, जिसका कि लाइव इमेजेस और लीक सामने आ चुकी है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि क्या कुछ खास होने वाला है इस फोन में। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मैं सही वीडियोस लाता रहूंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि लुक वाइज ये फोन पोको X3 की तरह ही है, और कौन किसका रिब्रांडेड वर्जन होगा ये तो लॉन्च के बाद ही पता चलेगा। तो सबसे पहले इसकी डिस्प्ले की बात करें तो इसमें हाई रिफ्रेश रेट वाली IPS LCD डिस्प्ले दी जाएगी, जो कि 6.67 इंचेस की हो सकती है। रेडमी नोट 10 में आपको 90Hz की रिफ्रेश रेट दी जाएगी, तो वहीं इसके प्रो वर्जन में 120Hz की रिफ्रेश रेट दी जा सकती है। साथ ही साथ इसमें पंच होल सेल्फी कैमरा दिया जाएगा, जो कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर में होगा। हालांकि सेंटर में होता तो ज़्यादा अच्छा होता। अब रियर साइड की बात करें तो इसमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जो कि राउंड शेप में होगा, और ये दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। इसमें मेन सेंसर 48 मेगापिक्सल का होगा, और बाकी के 3 कैमरों में एक अल्ट्रा वाइड, एक डेप्थ सेंसर और एक मैक्रो कैमरा दिया जाएगा। तो वहीं इसके प्रो वर्जन में 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया जाएगा। वहीं प्रोसेसर की बात करें तो लीक्स में इसके CPU की क्लॉक स्पीड को 2.4 GHz दिखाया गया है, और इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि इसमें या तो स्नैपड्रैगन 765G का चिपसेट लगा होगा, या फिर मीडियाटेक डायमेंसिटी 1000 प्लस का, क्योंकि ये दोनों ही 5G एनेबल चिपसेट हैं और मिड रेंज सेगमेंट में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, और इन दोनों की क्लॉक स्पीड भी 2.4 GHz के आसपास ही होती है। हालांकि कुछ लीक्स में दिखाया गया है कि इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 820 का चिपसेट दिया जा सकता है, लेकिन ये तीनों ही चिपसेट में से कौन सा चिपसेट होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हालांकि फिलहाल अभी इसके रैम और स्टोरेज के बारे में कन्फर्म इन्फॉर्मेशन है, जिसमें कि आपको 6GB और 8GB की रैम वेरिएंट देखने को मिलेगी, जो कि 64GB और 128GB के स्टोरेज के साथ आएगी। वहीं बैटरी की बात करें तो इसमें 5020mAh की बैटरी हो सकती है, जो कि पहले से ज़्यादा वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। हालांकि रेडमी नोट 9 में आपको 22.5W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया था, लेकिन इस बार ऐसा माना जा रहा है कि इसमें कम से कम आपको 33W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा, और इसके प्रो वर्जन में 65W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल सकता है। वहीं प्राइसिंग की बात करें तो इसका बेस वेरिएंट 15,000 के आसपास में लॉन्च होगा, और इसका प्रो वर्जन 18,000 के आसपास में, और ये फ़ोन इंडिया में नवंबर लास्ट तक लॉन्च हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं आपसे नई वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अलविदा, और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।